जी क्लास, सबने उर्दू की वर्बुक निकाल ली? बिल्कुल, मैं से भी निकाल ली। अब हम क्या, कौन सा सफा नंबर निकालेंगे? सफा नंबर 17 तक की पढ़ाई कर चुके हैं हम, अब सफा नंबर 18 की पढ़ाई करेंगे। ओके, सफा नंबर 18 निकाल लीजिए। गुड, शाबाश, निकाल लिया सबने सफा नंबर 18। ठीक है, क्या है हुर्फ की पहचान करना है और इससे हुरूफ से जो जो भी अल्फाज शुरू होते हैं मैं वो आपको बताऊंगी। रे, रे की आदि शक्ल नहीं होती और रे की आवाज। रे से रोटी, रे से रेलगाड़ी, रे से रीच। आटे, आटे से क्या बनाते हैं, रोटी या टॉफी? कौन बताएगा, टॉफी या रोटी? बिल्कुल, अम्मी आटे से क्या बनाती हैं, रोटी। रे की आवाज कैसी होती है, रा। अड़े, 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 जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रे जो है, रे से कोई भी हरूफ, रे हरूफ से कोई भी अल्फाज शुरू नहीं होता, ये हमेशा अल्फाज के बीच में आता है या आखिर में आता है। ठीक है, दरमियान में आएगा या आखिर में आएगा, इससे कोई भी हरूफ शुरू नहीं होता। ठीक है, अड़े, अड़े, आड़ू। देखे अड़े की आवाज कहाँ आ रही है, बीच में, अड़े। पहाड़, आखिर में क्या आ रहा है, अड़े। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, ड़ी, ड़ी, ड़े की आवाज आ रही है, बिल्कुल। अच्छा जब बताइए, दरख्त किससे काटते हैं, चाकू से या कुल्हाड़ी से? बिल्कुल सही बताया भाई, कुल्हाड़ी से। अब नेक्स्ट निकालिए, जे, जे की आवाज क्या होती है, जा। जे से जेबरा, जे से जेबरा, जे से जेवर, जे से जंजीर, जेबरा, जेवर, जंजीर। अच्छा बताइए, जेवर कौन पहनता है, लड़का या लड़कियां, कौन पहनता है भाई? बिल्कुल लड़कियां पहनती हैं जेवर। ये है ये, ये से जालाबारी, ये से अजदहा। देखिए यहाँ पे जो ये है वो दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है, शुरू नहीं हो रहा, मगर चूंकि इसका भी इस्तेमाल बहुत कम है, ये हरूफ के बीच में आता है, शुरू से बहुत कम चीजें होती हैं तो अल्फाज के बीच में आता है, इसलिए हम इसे बता रहे हैं आपको, ये से यालाबारी और अजदहे के में कहाँ आया है, ये दरमियान में आया है। शाबाश, अब आप बताइए हम यालाबारी में क्या इस्तेमाल करते हैं, न्यूज पेपर और छतरी, क्या यूज करेंगे हम? छतरी यूज करेंगे जब बारिश होगी, तेज तेज बूंदे पड़ी होंगी, या न्यूज़पेपर यूज करेंगे? बिल्कुल छतरी लगाएंगे। अब ये देखें क्या है जी, सीन, सीन से सांप, सीन से सीटी, सीन से साइकिल, और सीन की आदि शक्ल होती है ये देखें, और सीन की आवाज कैसी होती है, स। सांप, सीटी, साइकिल। अच्छा जी, क्या सांप जहरीला होता है, सांप के अंदर जहर होता है? जी हाँ, पिटिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब जनाब बारी है शीन की, और शीन की आदि शक्ल बिल्कुल होती है ये देखिए, आदि शक्ल शीन की, शीन से शुतुरमुर्ग, शीन से शमा, शीन से शार्क। शार्क बहुत बड़ी मछली होती है और ये पानी में दूसरी छोटी मछलियों को खाती है। ठीक है, किस जानवर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, शेर को या हाथी को? नहीं नहीं हाथी तो बहुत बड़ा जानवर होता है, जंगल का बादशाह कौन है जी? शेर। स्वाद, स्वाद से साबुन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, क्योंकि अभी COVID-19 चल रहे हैं तो हमें साबुन से बार बार क्या करना चाहिए, 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। ठीक है, ताकि हम जम से महफूज रह सकें। स्वाद की आदि शक्ल बिल्कुल होती है ये देखें, और स्वाद की आवाज कैसी होती है, सा। स्वाद से संदूक, स्वाद से सुराही, स्वाद से साबुन। संदूक, सुराही, साबुन। अच्छा, हाथ धोने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, दवा का या साबुन से? बिल्कुल, अगर हम साबुन से हाथ धो लेंगे तो हमें दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हाथ हम किससे धोएंगे, साबुन से।
अब आ जाते हैं हम ज़ुआद पे। क्या है ये ज़ुआद? ज़ुआद की आदि शक्ल बिल्कुल होती है ज़ुआद से ज़ईफ। देखो कितना ज़ईफ आदमी बैठा हुआ है ना, ज़ुआद से ज़ईफ और ज़ुआद से ज़ाया। क्या ज़ाया कर रहे हैं? पानी। हम लोग अक्सर नल खोल के खड़े हो जाते हैं और बातों में लग जाते हैं या दूसरे कामों में, और हम पानी को क्या करते हैं? ज़ाया। पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। आपको पता है हमें पानी का भी हिसाब किताब देना है। अल्लाह ताला पूछेंगे मैंने इतनी बड़ी नेमत दी थी, इसको कहाँ तुम लोगों ने ज़ाया किया। अच्छा जी, क्या पानी ज़ाया करना चाहिए? जी हाँ और जी नहीं। बिल्कुल जी नहीं, हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी नहीं, हमें पानी ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी यहाँ तक तो हमारी पढ़ाई हो गई, ज़ुआद तक आज की पढ़ाई हमारी फिनिश्ड हो गई। ठीक है, अब हम उर्दू कायदा निकाल लेते हैं, उर्दू का वर्ड बुक कायदा रखकर, और जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं।